सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पर सभी के सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं आपको। ये फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स हैं। फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के नोट्स आप देख सकती हैं। वन बाय वन मैं सारी की सारी PDF ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें जितनी यूनिट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपकी यूनिट वन है। यूनिट वन में जो जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये जो नोट्स होने वाली हैं ये फार्मेसी वाला ऐप के होने वाली हैं। जो फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल है उसके ये सभी के सभी नोट्स होने वाली हैं। ये आपके पेड नोट्स हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो बाकी नोट्स भी दिखा देता हूँ। इसके बाद आ गया हमारे पास फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसिस, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फार्माकोलॉजी के देख लो, ये तुम्हारे फार्माकोलॉजी के कंप्लीट नोट्स हैं। इसमें यूनिट वाइज नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। ये फार्माकोलॉजी के यूनिट वन के नोट्स, ठीक है, और बाकी यूनिट के भी नोट्स होने वाले हैं यहाँ पर आपके। ये कंप्लीट नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करनी है ये सब मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप करे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, एंड गाइस एंडिंग पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ फार्मेसी वाला के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो कि होने वाली हैं, एंड इसमें सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। उसके हिसाब से आपके ये हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ कि क्या तुम्हें ये नोट्स बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपने इन नोट्स को डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने फार्मेसी वाला ऐप को सर्च कर लेना है अपने प्ले स्टोर में। मैंने सबसे पहले प्ले स्टोर पर गया और मैंने फार्मेसी वाला ऐप को सर्च किया। सर्च करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ऐप का। इसके बाद आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आगे क्या करना है आपने। इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंस्टॉल कर लिया इसके बाद आपको लॉगिन करने को बोलेगा। आपने अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर लेना है। वैसे यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, मैंने अपना नंबर डाल दिया था। उसके बाद आपके पास OTP आएगा जिसको आपने इसमें डाल देना है। OTP डालने के बाद कुछ इस तरह का आपका जो है डैशबोर्ड दिखेगा। इसके बाद आपने कोर्स वाले सेक्शन पे चले जाने। कोर्स वाले सेक्शन पे जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका कॉम्बो पैक आपने लेना है, यानी कि एक सब्जेक्ट के सारे नोट्स, वो आपको 400 रुपये में मिलने वाले हैं, ठीक है गाइस। ये 400 रुपये के नोट्स हैं जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराए गए हैं। गाइस अगर आपको ये नोट्स महंगे लग रहे हैं 400 रुपये के, ठीक है, तो आप इनकी जो वीडियो है उसके थ्रू भी इन नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने कम्प्लीट बता रखा है कि मतलब लाइन वाइज इन्होंने कम्प्लीट बता रखा है कि एक्सप्लेन भी किया हुआ है इन्होंने इन सभी नोट्स को। ये आप अपने इनके YouTube चैनल पर जाके भी ये वीडियोस देख सकते हैं, और वहाँ से अगर कोई टॉपिक है तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं। गाइस इन नोट्स को बाय करने के लिए आपने सिंपली उस कोर्स पर जा लें जिसके आपको नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। उस पर जाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि पेमेंट कर देनी है। डिफरेंट पेमेंट मेथड है, किसी भी तरह से आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा कम्प्लीट प्रोसीजर कि कैसे आपने नोट्स को डाउनलोड करना है। अब हम रिव्यू देखने वाले हैं कि क्या आपको ये नोट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम रह गया आपके एग्ज़ाम को, और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी के सभी वीडियो लेक्चर देखें इनके, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर भी बहुत लेंथी है, 1 से 2 घंटे के, जो कि देखना पॉसिबल नहीं होता जब आपके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो आप ये नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं और आप इनको ख़रीद सकते हैं। गाइस जब मेरे एग्ज़ाम थे तब मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, ठीक है, जिस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाया था। फिर ना मैंने अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए थे। तब मैंने इन नोट्स को डाउनलोड कर लिया था, 4th सेमेस्टर के नोट्स को एंड 6th सेमेस्टर के नोट्स को मैंने डाउनलोड कर लिया था, ठीक है गाइस। तो ये जो नोट्स हैं इनको मैंने डाउनलोड कर लिया था, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा ये नोट्स, और इनकी हेल्प से मैं आसानी से पास हो गया था, और मेरे पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए थे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना,
नहीं तो एक बार ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।